सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एंड्रॉइड ओरियो का लुक आप अपने सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में कैसे ला सकते हैं। हालांकि सैमसंग हमें तो कोई एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट दे नहीं रहा है, और दरअसल होता है कि हम अगर डेली एक ही टाइप का यूजर इंटरफेस यूज करते हैं तो हमारा भी मन बोर होने लगता है कि कुछ नया ट्राई करे, नया स्मार्टफोन ले। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम में कुछ नया चीजें कर सकते हैं। हालांकि कुछ पूरा चेंज ही तो नहीं कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल होगा, बस थोड़ा मोड़ा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर आपको ऐप का डिजाइन हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं और ज्यादा कुछ आप इसमें चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कुछ चेंजेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आप एंड्रॉइड ओरियो का, अगर सैमसंग हमें एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट भी देता है तो ज्यादा चेंजेस तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, बस ऐप का आइकन ही चेंज होगा और कुछ परफॉर्मेंस थोड़ी सी यहाँ पर आपको इंक्रीज होगी, ज्यादा तो इंक्रीज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, डेटा ऑन कर लेता हूं मैं, उसके बाद आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप नीचे में जाइएगा तो वॉलपेपर एंड थीम के सेक्शन में जाइएगा। जाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए मैं बहुत सारे ऑलरेडी, चलिए मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी आपको बहुत सारे थीम दिखाई देगा, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी ट्राई कर दिया हूँ बहुत ज्यादा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आइकन के बारे में, तो यहाँ पर मैं एक नया आइकन ट्राई किया हूँ, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं S11, ये सैमसंग का X11 है, तो ये बंगला में कुछ आया, तो S11 को हम लोग ट्राई करते हैं। हालांकि ये पेड वाला, मतलब इसके लिए आपको पैसे देने होंगे, लेकिन आप इसे फ्री में ट्राई कर सकते हैं लगभग 10 मिनट तक, उसके बाद अगर आपको ये पसंद आता है तो आप परचेस कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आप S11 का सर्च कीजिएगा, ये आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, तो ये अप्लाई हो रहा है, थोड़ा आप वेट कर लीजिएगा। और ये थोड़ा, मतलब जैसे कि S9 में आपको जो लुक आता है ना, तो वो लुक आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। जिस तरह आप देखते हैं कि पूरा चेंज, मतलब पूरा तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ऊपर में तो आपको कुछ चेंज होने वाला है नहीं, बस थोड़ा मोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट, मतलब जो ऐप का जो आइकन है ना, आइकन वो यहाँ पर आपको चेंज होते हुए दिख सकता है। तो अगर आप ज्यादा चेंजेस करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी बताऊंगा आप लोगों को। तो ये उतना चेंज नहीं होगा, बस एक नया आपको यूजर इंटरफेस, हल्का नया यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, उतना भी अच्छा था नहीं, बस हल्का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा लगता है। अगर आपको इसे भी मन नहीं है तो आप एक बार जाइए और मैं आपको एक थीम में जाके मैं आपको एक थीम का नाम दिखाता हूँ, आप ये थीम डाउनलोड कर लीजिए, हाई कॉन्ट्रेस्ट थीम, इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, और आप भी तब तक ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए थीम। तो वो थीम को मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रही होगी, लेकिन चेंजेस आपको देखने को अब मिलेगी, जिस तरह से अब चेंजेस आपको दिखेगी यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका चेंज, तो यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगी, अगर मैं आपको सेटिंग ऑन करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगी। तो ये होता है चेंज, मतलब अगर आप वो हाई कॉन्ट्रेस्ट थीम इंस्टॉल करते हैं तो आपका पूरा जो चेंज हो जाएगा, मतलब आपका जो कलर है वो चेंज होगा, बाकी बात सेम ही रहने वाला। तो ये सब देख सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है और ये आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे ये ज्यादा पसंद आया, तो ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे टेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।